हुआ, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम देवी सिंह चौहान साहब की तरफ से प्रधान पद के उम्मीदवार। सभी गायक अपनी कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। लेकिन महान कवियों ने मानव के लिए चंद लाइनों में एक चेतावनी दी है, जोर से सुनेंगे आनंद आएगा। कमर पे का पुरस्कार हमारे रिश्तेदार लाखन सिंह पहलवान जयपुरा निवासी, बार बार धन्यवाद। भवानी के रूप में चंद्रायन पेश करूंगा। आज आपको विदित है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चुनावों का बिगुल बजा दिया गया। आपकी पंचायत सलेमाबाद पंचायत में प्रधान पद के उम्मीदवार देवी सिंह चौहान साहब पूर्व जिला पंचायत के सदस्य रह चुके, उनका कार्यकाल आपने देखा है। आज आपकी सेवा करने के लिए 5 साल मांग रहे हैं, 5 साल प्रधान पद एक बार देकर के देख लीजिए, क्षेत्र को चमका के रख देंगे। और प्रधान पद के उम्मीदवार उनके पुत्र वधु, उनकी पुत्र वधु श्रीमती वीणेश देवी, जो कि आपके इस चहारवाटी में आपके घर में आपके बेटे के यहाँ आप इज्जत बना करके जिन्हें लाए हैं, तो एक बार ये दिखा दो पीनेस के माल के बारे में ये महसूस करके हमारी बेटी की इज्जत चहारवाटी में रखी है। प्रधानमंत्री का पद देकर एक बार और देखिए कहना है हाथ जोड़ करके श्रीमती पीनेस का क्या कहती है। भैया पीने सकूते जो बो बाबा के पीने सकूं ते जो बो टला जचारी रह जाएगी पीने सकूते जो जनता की ला
बसंत सिंह जी मत ना करियो मन में शंका और क्यों देवी सिंह का बजरे हो डंका मत ना करियो मन में शंका बीन सदेव का बजरे हो डंका लेकिन खेलता हुआ वो वीर बालक अभिमन्यु आ गया। कहा दादाजी क्या कारण है? बेटा तेरे लायक बात नहीं, ये बहुत आगे की बात नहीं। मैं परिवार का हिस्सा हूँ, मैं आपका खून हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मेरा परिवार आज किस संकट की घड़ी से गुजर रहा है। शब्द सुना है धर्मराज को, धर्मराज को खड़े होकर के कहना पड़ा, बेटा तू सुनना चाहता है तो सुन, आज हमारे ऊपर कितना विशाल संकट है। देखिए क्या बोले धर्मराज, मेरा
पर मादरी बंधु ये शब्द उस वीर बालक ने कहा, साथ ही साथ एक शब्द और कह दिया उस बच्चे ने। कौन सी बात कह दी साहब, सुनिए। मौजूद नहीं तो आप शंका का त्याग कर दीजिए, पिताजी की कोई आवश्यकता नहीं। क्या बोला वो बच्चा? अरे नहीं पिताजी, बात करो और विश्वास मती घबड़ैया करो, विश्वास मती घबड़ैया और मैं दंगो दंगो पिहू तोड़ तुम मेरे पीछे पीछे। मैया को नींद आ गई थी, लेकिन चार लाइने बातों में बोले कोयलिया। बाबूजी ग्राम पंचायत परारा से पधारे योगेश प्रधान जी, 101 रुपए का पुरस्कार। बातों में बोले कोयलिया गुड़गान की खुशबू आती है, महसूस हो। और क्या रामायण के पन्नों में हनुमान की खुशबू आती है, रामायण के पन्नों में हनुमान की खुशबू आती है। अंतिम बात पसंदों के शब्द कह रहा है, तालियां चाहूंगा। रामायण के पन्नों में हनुमान की खुशबू आती है और वतन पे मरने वालों में हिंदुस्तान की खुशबू बंद हुआ। इस तरह से वो बच्चा कह रहा है कि छह द्वारन को तोड़ गिरा दो दादाजी, के छह द्वारन को तोड़ गिरा दो। सुतनी गिरा उचारिए और सात द्वार क्या तना है मोकू मेरी सोई गई। मैया को नींद आ गई थी जब पिताजी ने कहानी सुनाई थी, लेकिन पास में बैठे थे भीमसेन गदा को लेकर के खड़े हो गए के भबक्यो भीम गदा को लेकर। अमलदार जी भबक्यो भीम गदा को लेके कहीं कुमर के पानी और बेटा साते की तो मैंने पानी
सातवां दरवाजा तो गदा के प्रहार से खंडित कर दूंगा। शब्द सुना वीर बालक ने, सेना सजा रहा है, क्या कर रहा है वो बच्चा? ये क्या मरम का पुरस्कार भाई लोग अंदर भौजी बार बार धन्य के सेना सजा सेना नहीं सजाए और पांडव सज गो नाती है। अरे योद्धा सजे और अनेक संग में घोड़ा हाथी
बंधुओं, पहले दरवाजे को तोड़ दिया पीर बालक, दूसरे दरवाजे पर पहुंच गया। दूसरे दरवाजे पर पहलो द्वार तोड़, पहलो द्वार तोड़ अभिमन्यु, द्वार दूसरे आयो है हिंद देश को, भूप वहां पे जयद्रथ ठाड़ो। सो बोलो भूप बता दे साची, बेटा अभिमन्यु के बोलो भूप बता दे साची, कहां गयो पिता तुम्हारो और वो लगे हमारो। मेरा साला नहीं आया, अर्जुन तुझे क्यों भेज दिया, मैं तो उसी के लिए लड़ने के लिए आया हूं। लेकिन कितना अहंकार भरा शब्द वो पापी जयद्रथ उस बच्चे के सामने बोल रहा है, क्या कह रहा बेटा। अरे तेरे संग कुटुंब तेरे हमें मर गए तो तू खेजिया खेलो। मानेगी मुड़गेरी पछा तू बता दे, मानेगी।
देखो पांच मिनट रह गई है, गानों तो मैं ऐसा सुनाऊंगा कि खुश है जाएंगे। चटकीले छोड़ो, ऐसा गाना सुनाऊंगा आपके सामने। अभी 23 मार्च को हमारे देश में एक शहीद दिवस मनाया, उस दिन क्यों मनाया जाता शहीद दिवस? 23 मार्च 1931 को इस देश के 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव। भगत सिंह क्या हस्ती थी, कितना महान योद्धा था भगत सिंह। लाहौर जेल के अंदर बंद था वो भगत सिंह, अंग्रेजी शासन में परिवार वाले मिलने के लिए जा रहे थे, सबसे अंत में माँ विद्यावती पुत्र से मिलने के लिए लाहौर जेल के अंदर पहुंची। कहा बेटा पता क्या हाल है तेरा, कैसा रहता है? सिर्फ एक शब्द बोला वो सच्चा योद्धा, माँ खा लेता हूँ मैं विरोध, ये जालिम जैसा भी भोजन मुझे देते मैं इनका विरोध नहीं करता, कि खा लेता हूँ बिन विरोध के, जैसी मिल जाए रोटी ये, पर रात को नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये काल कोठरी छोटी है, तेरा बेटा 7 फीट का है, ये कोठरी 6 फीट की, मैं सो नहीं पाता। माँ ने कहा धिक्कार है कोख के लिए जिसने तेरे जैसे नालायक बेटे को जन्म दिया। माँ कोई गलती हो गई? अच्छा गलती पूछ रहा है। इस भारत की जनता आजादी के लिए तड़फ रही है, रो रही है, और तू तू सोने के लिए रो रहा है कि मैं सो नहीं पाता? क्या मातृभूमि की रक्षा किए बगैर तेरे को नींद आएगी? नहीं आएगी माँ, क्या करना चाहिए मुझे? धन्य उस माँ के लिए कितना बड़ा कलेजा होगा उस माँ विद्यावती का, पुत्र के सामने क्या उपदेश कर रही, क्या बोलिए माँ विद्यावती? बार धन्यवाद भाई लोग, फौजी घर से कमर का पुरस्कार।
तो तेरी दादी माँ ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा था, आज मेरे घर में बेटा नहीं एक भक्त पैदा हुआ, एक भक्त, इसलिए तेरा नाम क्या रखा। पुत्र की माँ